वेलकम टू माई चैनल द कुक हाउस। तो आज हम बनाने वाले हैं बटर पनीर मसाला। तो उसके लिए हमें लहसुन, अदरक, ये धनिया और ये लिए हमने दो टमाटर। तो इन सभी चीज़ों को हम पेस्ट बनाएंगे। और ले रही हूँ मैं 8-10 काजू, जिनको हमने भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड, हमने ये मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। इधर लिया है मैंने 1/2 किलो पनीर। तो इसको अपने हिसाब से कटिंग कर लें। तो मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है पनीर की। तो मैंने कर दी गैस ऑन। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। देखिए थोड़ा सा ही डालेंगे हम, क्योंकि हम बटर पनीर मसाला बना रहे हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से, हम डाल देंगे इसमें बटर। ये लिए मैं खड़े मसाले, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स हम ऐड कर देंगे चॉप करी हुई प्याज और हरी मिर्च। ये हमने 3 प्याज लिए हैं। हमारी प्याज भुन चुकी है, गोल्डन ब्राउन, कितने बढ़िया कलर आया है इसमें, देखना गजब। और डाल दूंगी मैं ये जो पेस्ट बना के रखा था मैंने, काजू का और लहसुन अदरक टमाटर का। इसको भी हम थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन कच्चा ही है, इसलिए बढ़िया तरीके से पकाएंगे हम इसको। इसमें दोस्त काजू पड़े हैं, तो इसको हम चलाते रहेंगे इस तरीके से, वरना कली में चिपक जाएंगे। तो मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर भुना हुआ। चलेंगे सभी चीज़ों को मिक्स इस तरीके से चलाते हुए। देखना कितना हमारी मस्त ग्रेवी बन रही है इस तरीके से। तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे अभी। तो इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी थोड़ी सी। तो जब तक हमारी ग्रेवी बन रही है पनीर की, तो हम तब तक कर लेंगे पनीर फ्राई। तो उसके लिए डालेंगे हम बटर। तो हम डालेंगे पनीर इस तरीके से, कटे कर लेंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। फिर गर्मी हम दे देंगे थोड़ी सी कलर के लिए। तुम्हारा पनीर हो चुका है फ्राई। तो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। तो इसमें लगाएंगे हम थोड़ा गर्म पानी ग्रेवी के लिए। तो ऐड कर देंगे हम पनीर। तो हम ऐड कर देंगे कुकिंग क्रीम। इसको चला लेंगे हम हल्के हाथों से कभी 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम कर देंगे अपनी गैस ऑफ। तो हमारा पनीर बनकर तैयार है। देखना कितना गजब बना है। इसको हमने 3-4 बार बीच में देख लिया था, क्योंकि इसमें काजू पड़े हुए हैं, इसलिए तो बीच बीच में देखते रहे इसको इस तरीके से। तो हम कर देंगे अपनी गैस बंद, पक चुका है बढ़िया से। कर देंगे गार्निश और क्रीम से। थोड़ा मैंने पनीर बचा के रखा था, तो इसको भी इसके कर देंगे। तो डालेंगे हम धनिया पत्ती और बटर, तो जरूरी है भाई। तुम्हारा बटर पनीर मसाला बनकर तैयार है फ्रेंड। देखना कितना यम्मी सा बना है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी रेसिपी कैसी बनी है।